Yeah. Okay, मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ट्रेमेंडस प्रिविलेज फॉर मी टू गेट टू टॉक टू यू. और माँ, सबसे पहले ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य है, अद्भुत सौभाग्य है एंड कि मैं यहाँ पर आपके साथ बैठूं. यू मीन द वर्ल्ड टू मी एंड दिस इज अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी टू डू दिस ऑन मदर्स डे. और आप मेरे लिए पूरी दुनिया के समान, जो पूरी दुनिया, आप मेरी पूरी दुनिया है, आप मेरे लिए इतनी मायने रखती है. और मेरे लिए ये मदर्स डे के दिन विशेष है, ये इस चर्चा के लिए. So, I thank you, thank you for the privilege that I can sit next to my son. और मैं धन्यवाद करती हूँ इस सौभाग्य के लिए कि मैं अपने बेटे के करीब में बैठ सकती हूँ. And so that it takes away my nervousness, and he's there to support me. और ताकि ये मेरे अंदर की घबराहट को दूर करे और मेरा बेटा मुझे साथ देने के लिए मेरे करीब बैठा है. I'm right here. मैं यही हूँ माँ. Okay, so we'll have a couple of fun questions and a couple of serious questions. और हम कुछ मजेदार प्रश्नों को पूछेंगे और कुछ गंभीर प्रश्नों को भी पूछेंगे. So, which one is easier, dealing with boisterous children or dealing with boisterous grandchildren? और कौन सा माँ, कौन सा आसान है, बहुत मस्ती खोर बच्चे जो है उनके साथ व्यवहार करना, या फिर जो जो वेस्ट साइड में पले बड़े बच्चे हैं जो आपके नाती पोती है उनको, उनके साथ व्यवहार करना, कौन सा आसान है? That's a good question. और ये बहुत ही अच्छा सवाल है. Dealing with boisterous children, first of all, I didn't think you all were that boisterous. और जैसे जो मस्तीखोर बच्चे हैं उनके साथ व्यवहार करना, मुझे लगता है कि आप उस तरह के उतने ज़्यादा नहीं थे वैसे. You are normal boys. आप लोग बहुत साधारण लड़के थे. And you are growing up. और आप लोगों की बढ़ोतरी हो रही थी. You had so much of energy. और आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा थी. And I only found that you are getting stronger and I was getting weaker. और मैंने इसी चीज़ को पाया कि आप लोग बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हो और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ. But good thing I had dad, I had my husband with me. लेकिन ये अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा पति मेरे साथ में साथ था. To do all the most of the disciplining part. क्योंकि ज़्यादातर जो अनुशासित करने का जो भाग है वो मेरे पति करते थे. My disciplining was like swatting a fly. और मेरा अनुशासन तो काफी हल्का था, जैसे कि एक हवा में ऐसे करते हैं वैसे. But I had my own ways of disciplining. लेकिन मेरे पास अपने खुद के ही मार्ग थे अनुशासित करने के. And so I enjoyed all the fun that I had with you all. और मैंने उस सारे मनोरंजन का आनंद उठाया जो मैंने आपके साथ, बच्चों के साथ जो किया. But now dealing with the grandchildren, I think I have a good chance of making up what all I could not do with my children. लेकिन अब जो है मेरे जो नाती पोती है उनके साथ व्यवहार करना जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पाई, वो अब अवसर मेरे पास है कि मैं उनके साथ कर पाऊँ. I can do with my grandchildren. For instance, I can show them so much of love. और जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम को दिखा सकती हूँ. Without the fear of spoiling them. और इस डर को रखे बिना कि मैं उनको बिगाड़ दूंगी. Even if they are spoiled, their fathers, you all can deal with them as well. अगर वो बिगड़ भी गए तो आप लोग पिता है उनको अनुशासित करने के लिए, उनको सही मार्ग में लाने के लिए. I don't have to correct them. और मुझे उनको सुधारने की आवश्यकता नहीं है. All that I can say is, I don't think your dad and mom will like you doing this. Or wait, I'll have to talk to your mom about it. Or you. और मैं मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझे ये तुम्हारे माता पिता से चर्चा करनी होगी कि ये तुम्हें करना है या नहीं करना है, या फिर तुम्हारे माता पिता को ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मुझे उन्हें कहना पड़ता था. Check with your mom and dad before. या फिर मैं ऐसे कहती थी कि रुको, मैं पहले तुम्हारे माँ से या पिता से इसको देख लेती हूँ कि वो इस चीज़ के साथ चाहत रखते हैं या नहीं. You do that. That's all. बस इतना ही कहना पड़ता था. I don't have to do much of the disciplining. और मुझे बहुत ज़्यादा अनुशासित मेरे नाती पोती को करने की आवश्यकता नहीं थी. I can show as much love as I want. I can spoil them. और मैं जितना प्रेम उनके प्रति दिखा सकती हूँ उतना दिखाती थी. मैं उनको बिगाड़ भी सकती हूँ.
So I think dealing with boisterous grandchildren is lot more fun. और मुझे ऐसा लगता है जो मस्ती खोर नाती पोती है उनके साथ व्यवहार करना ज़्यादा मज़ेदार है. And you know when I'm in India, I dream of coming here and seeing my grandchildren. और जब मैं भारत में थी तो मेरा ये सपना था कि मैं यहाँ आऊँ और मेरे जो नाती पोती है उनके साथ मैं रहूँ. And hugging them and holding them. और उनको पकड़ू उनको गले लगाऊ. I plan all kind of games I can play with them. और मैं उनके साथ कौन से खेलों को खेलूंगी उसको मैं पहले से योजनाएं बनाती थी. All the games that they like and I remember the things that they like to do. और मुझे ये चीज भी याद आती थी कि उनको क्या करना पसंद है. I keep it all reserved when I come here. So. और मैं उस सब चीज को बचा कर छुपा कर ऐसे रखती थी ताकि मैं यहाँ पर आकर उनके साथ करूँ. So. Dealing with grandchildren is lot more fun. और जो नाती पोती है उनके साथ व्यवहार करना बच्चों के साथ काफी ज्यादा मजेदार है. All right, besides family time, what is your favorite non-spiritual thing to do? और परिवार के अलावा जो जो आत्मिक चीज नहीं है इसमें आपकी क्या पसंदीदा चीज है जो आप करती थी? In terms of fun, relaxation. जैसे एक मजेदार चीज या फिर थोड़ा आराम करना या कुछ. I like sewing, so I look forward to picking up my needle and thread or knitting or whatever I'm doing. और मुझे सिलाई करना पसंद है था और पसंद है. मैं अपने सुई और धागे को लेकर मैं कुछ भी ऐसे सिलाना सिलाती हूँ. That's very relaxing for me. और ये मेरे लिए काफी आरामदायक लगता है मुझे. And now that my children have all left home, I look forward to reading the medical books which I didn't get a chance to pick up my refresh my medical knowledge. और अब मेरे बच्चे बड़े होकर वो चले गए हैं वो अलग रहते हैं तो अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय है कि मैं अपने जो मेडिकल की किताबें हैं ताकि मैं अपने मेडिकल के जो ज्ञान को फिर से एक बार ताज़ा कर पाऊँ और उसको सीख पाऊँ उस वो किताबें पढ़ पाऊँ. That much, so I like to look forward and now with the internet and all the facilities we have, that's something I like to do. और अभी तो हमारे पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है तो उस वही मैं करना चाहती हूँ. ये मुझे पसंद है करना. Because I know that it will be useful for me. To help others and also it will keep my mind fresh and active. और मुझे ये पता है कि ये मुझे बहुत सहायता करेगा दूसरों को मदद करने के लिए और ये मेरे मन को बहुत ज़्यादा ऊर्जा एक ताजगी से भरेगा और बहुत ही मुझे ऊर्जा से भरा रखेगा. So that's the second relaxing non-family thing. And और ये दूसरी मेरी जो पारिवारिक जीवन को छोड़कर दूसरा जो आरामदायक चीज़ करना मुझे ये पसंद है. The third is gardening. और तीसरी चीज है वो है बगीचे में गार्डनिंग करना. I like seeing the plants grow. I like to water the plants. और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है देखकर कि जब पौधे उगते हैं और फिर वो बढ़ते हैं और फिर उस पर पानी डालना ये मुझे पसंद है. Even when we go on a trip, the first thing I do when I get back is to see how the plants are doing. और यहाँ तक कि मैं कोई ऐसे घूमने भी कहीं जाती भी हूँ कुछ जगह में तो मैं देखती हूँ कि वो पौधा जो है वो बड़ा हुआ है अब उसकी अवस्था क्या है. And if I and I pour some water for the plants and like I feel as if I have taken care of. और जब मैं उन पौधों को पानी देने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को संभाला है. My plants. That's my. और मैं अपने पौधों को संभाला है. My third relaxing. और फिर इससे मुझे आरामदायक लगता है. So what was your a little bit more serious? What was your biggest fears? और फिर सबसे ज़्यादा दूसरा प्रश्न ये है कि सबसे ज़्यादा गंभीर आपको क्या लगता है? कौन सा आपसे आपका आपके अंदर जो है वो सबसे बड़ा भय है आपके अंदर? As you were a mother of small children growing up. और क्योंकि आप एक छोटे-छोटे बच्चों की माँ थी और वो बच्चे बड़े हो रहे थे. And How did you deal with this? फिर इन सारी अवस्था से आपने कैसे आपने इनको इनके साथ व्यवहार किया? I think looking back, and we started having a house church at home. और अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं पीछे मुड़कर देखूँ तब हमारे घर में जो घर के अंदर जो घर घर में कलीसिया की शुरुआत हुई. And watching your children growing up. और मैं तुम बच्चों को देख रही थी कि तुम लोगों की बढ़ोतरी हो रही थी. My biggest fear was that with all the
स्ट्रिक्ट वेज एंड द टीचिंग्स इन द चर्च. और मेरे अंदर सबसे बड़ा भय ये था कि जो कलीसिया में इतने उच्च स्तर है और वो जो सिखाते हैं कलीसिया में उसके विषय में. And our high standards and my husband's way of putting things. और मेरे जो उच्च स्तर है और मेरे पति जो चीजों को सिखाते थे. Thank you. My husband's way of putting things across. It was very strong and he being a military man. और मेरे पति जो चीजें करते थे वो एक सेना के व्यक्ति थे, नव सेना के, इसलिए वो थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. The way he put it across, I thought, how would the children, even if they are boys, how would they receive it? Will they be like a pastor's children who don't want to have anything to do with God? और मेरे पति जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करते थे वो क्या मेरे बच्चे उन चीज़ को स्वीकार कर पाएंगे क्या? और जैसे क्या मेरे बच्चे जो लड़के हैं दूसरे जो पास्टर्स हैं उनके बच्चों की तरह, पासवानों के बच्चे जो परमेश्वर के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, क्या मेरे भी बच्चे ऐसे हो जाएंगे या फिर ऐसे नास्तिक हो जाएंगे या फिर गुनगुने हो जाएंगे or they become Pharisees. या फिर वो फरीसियों के समान तो नहीं बन जाएंगे. No, hypocrites acting like as if they're okay. और ऐसे पाखंडियों की तरह वो दिखावा करेंगे कि हम ठीक है. And not really wanting to follow the Lord. और सचमुच में तो वो वास्तविक रूप से परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते, अनुसरण नहीं करना चाहते. All those fears were there. और ये सारे भय मेरे अंदर थे. They were real fears because I thought. और ये जो है वो वास्तविक भय है क्योंकि if I'm too hard on them, they might rebel and go away. और मैं अगर उनके ऊपर ज़्यादा कठोरता से व्यवहार करती हूँ तो वो मेरे खिलाफ बलवा करके हमेशा के लिए दूर जा सकते हैं. Or if I'm too lenient, they might become worldly, and I don't want that to happen. और अगर मैं ज़्यादा उनको लाड प्यार करूँ या दया करूँ तो फिर वो संसार के समान बन जाएंगे और संसारिक होंगे, जो मैं नहीं चाहती. That was a real fear, and I found the four. और ये मेरे अंदर वास्तविक भय था. Different, all four of you were growing, and you had different temperaments. और मैंने ये पाया कि आप चारों जन जिन जिनकी बढ़ोतरी हो रही थी, आपके अलग सबके आपके अलग अलग स्वभाव थे या अलग अलग आपके अंदर स्वभाव था. One was willing to obey. The other one. Another one would have questions. और एक जन एक बच्चा है वो आज्ञा मानने के लिए तैयार होता था, लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो सवाल पूछने लगता था. And you know, the ones who didn't have questions, later on they would have questions. और जो बच्चों को तब सवाल नहीं होते हैं वो बाद में चलकर सवाल पूछते हैं. So my fear was, would I do something wrong? फिर मेरा भय यही था कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगी. So that their personality either will be crushed or they be damaged for life. और उनकी जो personality है या उनकी जो जीवन है वो या तो वो नष्ट हो जाएंगे या फिर उनको कुचला जाएगा या ऐसा कुछ हो सकता है. Most of all, if they leave the Lord. और उनमें से ज्यादातर अगर परमेश्वर को छोड़ के चले गए तो. And forsake the Lord. और अगर परमेश्वर को त्याग दिया तो. That was my fear. ये मेरे अंदर बहुत भय था. So, how did I deal with that? फिर मैंने इसके साथ कैसे व्यवहार किया? Thank God the children came one at a time. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक एक समय में एक ही बच्चा आता था. So I could deal with them. ताकि मैं उनके साथ व्यवहार कर सकती हूँ. As they were growing up. और जैसे वो उनकी बढ़ोतरी हो रही थी. Of course I prayed. और निश्चित रूप से मैंने प्रार्थना की. Prayed and asked the Lord. For wisdom and और मैंने प्रार्थना करके परमेश्वर से बुद्धि मांगी. और मैं इतना ही चाहती थी कि मैं समर्पित हो जाऊँ और मेरे पति के साथ मेरी एकाग्रता बनी रहे. I knew that if I have, if I'm not united with him and if I'm arguing with him and और मैं इस बात को जानती थी अगर मैं अपने पति के साथ एकाग्रता में नहीं हूँ और उनके साथ वाद विवाद करती हूँ तो questioning with him और अगर उनको सवाल पूछने लगती हूँ तो that will be the most disastrous thing for our family. और फिर वो बहुत ही एक विपत्ति लाने वाला एक चीज होगी हमारे परिवार के अंदर. Our family would be split and they और हमारे परिवार जो है दो भाग में बट सकती है. My children would not listen, obey me. और फिर मेरे बच्चे मेरा अनुसरण नहीं करेंगे, आज्ञा पालन नहीं करेंगे.
बिकॉज आई वुड डिन वांट टू सबमिट माय सेल्फ टू माय हस्बैंड, क्योंकि मैं खुद मेरे पति को पति के अधीन नहीं रहना चाहती, उनकी आज्ञा नहीं मानना चाहती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फेल्ट दैट आई शुड माय वॉक विद द लॉर्ड शुड बी ओके. और मैं सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करना चाहती थी कि मेरा जो प्रभु के साथ चलना है वो सही हो. I should commit everything to the Lord. और मैं सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना चाहिए. I should live in submission to my husband. और मैं अपने पति के अधीनता में रहनी चाहिए. And be united with him. और मैं उनके साथ एकाग्रता में रहना जरूरी है. So that our prayers will be heard. ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए. There's a verse which says that if we are not united, then our prayer won't be answered. क्योंकि एक वचन में ऐसा लिखा है कि अगर हम एकाग्रता में नहीं रहते पति के साथ तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी. So we would pray together and our goals were the same. So और हम दोनों एक साथ प्रार्थना करते थे और हमारा जो लक्ष्य था वो एक समान ही था. Our goal was that all four of you boys should grow in to be his disciples. और हमारा लक्ष्य यही था कि आप चारों जो बेटे हैं वो सारे यीशु के चेले बने. Lord's disciples and serve him. और प्रभु के चेले बनकर प्रभु की सेवा करें. That was our goal. यही हमारा लक्ष्य था. So we had the same goals and we prayed together and then. और हम दोनों का भी एक ही लक्ष्य था. फिर हमने साथ में मिलकर प्रार्थना की. The rest the Lord did. बाकी सब कुछ परमेश्वर ने किया. I think I would summarize it like that. मेरे ख्याल से मैंने इसको अंत में ऐसे ही इसका विवरण बताया है. ये सही है. You talked about the fear of doing something that damages kids and all that. जैसे आपने कहा कि ऐसा कुछ आप करेंगी जिससे जो जो भय के विषय में आपने कहा कि जो बच्चों को नष्ट कर सकता है या ऐसा कुछ कर सकता है. In that relation, I think as some you know, mothers that who may feel that some ways in which they did feel. और इसी संबंध में शायद कुछ माएँ ऐसा सोच सकती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए या मैं कुछ अलग तरीके से इस चीज़ को करना चाहिए था. That's also the next generation. क्योंकि अगला जो पीढ़ी आने वाला है. And then how did you deal also with that failure? फिर ऐसे चीज़ों के साथ कैसे भय के साथ व्यवहार किया जा सकता है. The sense of failure again. क्योंकि हमारे अंदर असफलताओं को हम देखते हैं. Yeah. I think when the children were small, sometimes I would think like, am I giving them too much of, you know, when they start the first child especially. और मैं ऐसा सोचती थी जब बच्चा छोटा था तब मैं उनको कुछ ज़्यादा ही सज़ा तो नहीं दे रही हूँ, दंड तो नहीं दे रही हूँ, विशेष तौर पर जब बच्चा छोटा होता है. I think that oh they are not getting enough nourishment and I would overfeed them. और फिर मुझे ऐसा लगता था कि उनको बराबर पालन पोषण नहीं मिल रहा है, मैं ज़्यादा ही उनको खिला रही हूँ. And that was, I think, as the second and third one came, I realized that. और जब दूसरा और तीसरा बच्चा आया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ. I should not force them to eat. कि मैं उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए खिलाने के लिए खाना. They eat whatever was needed, how much was needed for them. वो खाएंगे जितना उनको जरूरत है, उनको आवश्यकता है जितनी. So that's one lesson I needed learned and then. और वो एक पार्ट है जो मैंने सीखा. और फिर दूसरा. Also being a doctor, I thought whether I should give them medicine or leave them to help them to overcome the disease. और मैं सोचती थी कि अगर एक डॉक्टर होने के नाते क्या मैं उनको दवाइयाँ दूँ या फिर मैं उनको ऐसे ही वो जो उनके अंदर जो भी समस्या थी, बीमारी थी, वो ठीक होने के लिए. whatever small, not disease. वो भयानक बीमारी तो नहीं थी, छोटे छोटे बीमारी. Illness, whether they would have the resistance. कुछ ऐसे समस्या उनके अंदर छोटी छोटी. No, those are some kind of fears, but I'm glad. और ये सारे जो भय मेरे अंदर थे. I didn't give them the wrong medicine and wrong food. और लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आनंदित हूँ कि मैंने उनको गलत दवाइयाँ नहीं दी और गलत भोजन भी नहीं दिया. If anything like that had happened, I used to think, suppose I had given them the wrong medicine and they are suffering for life. और अगर ऐसा कुछ हुआ होता, अगर मैंने मान लीजिए उनको गलत दवाई दी होती और फिर उनकी जान को खतरा हो जाता और जान के लिए वो लड़ते तो. How would I have dealt with it? फिर मैं कैसे इन चीज़ का सामना कर सकती थी. Think I would have asked the Lord, please make up for my error. और फिर मैं ऐसे प्रभु से कहती कि प्रभु जो मेरी गलती है उसके लिए मुझे सहायता कर, मैंने गलती की है. And heal my child. और मेरे बच्चे को चंगा कर.
स्पाइट ऑफ माय मिस्टेक, जो भी मेरी गलतियां है या मेरी इसके बावजूद भी, एंड प्रे मोर फॉर देम, बट थैंक, और मैं मुझे उनके लिए और प्रार्थना करना करनी पड़ती, गॉड दैट दैट डिडंट हैपन, लेकिन प्रभु का धन्यवाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बट वन थिंग आई रिमेंबर, लेकिन एक चीज है मुझे याद है, द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, और जब बच्चे उनकी बढ़ोतरी हो रही थी, and, we were having meetings in our home, और हम लोग घर के अंदर मिलते थे, घर के अंदर सभा होती थी, 4 days a week, और हफ्ते में 4 दिन हुआ करती थी, 3 evening meetings, और 3 शाम की सभा होती थी, and whole Sunday meeting which would go on and on, और जो एक पूरी संडे की रविवार की जो सभा है वो पूरी चलती रहती थी. And some people would stay back for lunch. और कुछ लोग दोपहर के खाने के लिए रुकते थे, come from different places and I, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आते थे, and I have to prepare lunch. और फिर मुझे उनके लिए खाना बनाना पड़ता था, भोजन तैयार करना पड़ता था. And you know, Indian preparing an Indian meal is not the same. You can't just go and get a packet from there and microwave. और भारत में जो खाना बनता है वो ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर है कि एक पैकेट उठाकर उसको माइक्रोवेव में डालकर वो तैयार हो जाता है. नहीं, उसको पूरा शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है. We had to start from scratch and और पूरा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ से शुरू करना पड़ता है. Cook. So then, sometimes when my husband was away, और कभी कभी जब मेरे पति दूर रहते थे घर से, some sisters would feel like spending the day with me. और कुछ बहनें उनको लगता था कि वो मेरे साथ पूरा दिन बिताना चाहती थी. And they find out somehow that my husband gone. और अगर उनको ये पता लगता था कि मेरे पति कहीं और गए हैं. Weekend on Saturday morning they would finish all their work. और फिर शनिवार सुबह के दिन वो अपने काम को जल्दी खत्म करते थे. Without any warning to me. और बिना किसी चेतावनी या कुछ बिना किसी मुझे बताए वो आ जाती थी. They'd land up at home and I wouldn't have had any breakfast, lunch, nothing ready. और उस समय मेरा कोई नाश्ता भी नहीं तैयार होता था, दोपहर का खाना भी नहीं, कुछ भी तैयार नहीं होता था. For them and because they are there, I'd have to cook something for them also. क्योंकि वो जो आती है उनके लिए भी मुझे खाना बनाना था, सब कुछ करना था, उनके लिए तैयार करना था. So and I used to feel very bad. I'm neglecting my children. और मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं अपने बच्चों को अनदेखा करती थी. There's nothing, not I hadn't even given them their breakfast and sometimes. और यहाँ तक कि मैंने उनको नाश्ता भी नहीं दिया रहता था तब तक. I wouldn't have even changed the diaper. और मैंने उनका डायपर भी बदला नहीं होता था. And this person has landed up. और ये व्यक्ति आ गया है मेरे पास. So first of all, I had to work on my own salvation. No grumbling, no murmuring. और सबसे पहले मेरे खुद के ही उद्धार के लिए मुझे कार्य करना पड़ता था कि कोई मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट या बुड़बुड़ाहट नहीं होनी चाहिए या शिकायत नहीं होनी चाहिए. No self-pity. कोई भी खुद के ऊपर तरस खाने वाला ऐसा एक रवैया नहीं होना चाहिए. No bitter thoughts about others. और कोई भी कड़वाहट कड़वे विचार दूसरों के प्रति मेरे अंदर नहीं होने चाहिए. Thank God for the teaching of the church. I said, Lord, प्रभु का धन्यवाद है कलीसिया में जो कुछ हम सीखते हैं उसके लिए. I want to sanctify myself, but मैंने कहा प्रभु मुझे अपने आप को शुद्धिकरण करना है, पवित्र करना है. You know, inside, it was still not yet, overcome in the inside. लेकिन अंदर से ये अब तब तक मेरे अंदर वो पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हुआ था अंदर से. But then I said, whenever my husband goes, I should be prepared. लेकिन मैं कहती थी जब कभी मेरे पति अगर जाते हैं तो मुझे तैयार रहना चाहिए. I should finish all my work. और मुझे अपने सारे कार्यों को खत्म करना है, उसको तैयार रखना है. In case such things happen. अगर ऐसा कुछ होता है तो. I'd get up early, do the cooking, keep everything ready. और मैं जल्दी उठकर सारे खाना पकाकर सब कुछ तैयार करके रख देती थी. So if my children had enough food to eat, अगर मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन अगर उपलब्ध है तो, and then they would come. फिर वो कोई भी आए फिर कोई परवाह नहीं. But then sometimes it would be a medical problem. लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि किसी को मेडिकल तकलीफ होती थी. You know, so I'd have the, I should find the medicine which they needed. फिर मुझे उस समय दवाइयाँ ढूंढनी पड़ती थी कि कौन सी दवाइयों के लिए उनकी उनके आवश्यकता है. Or the bandage or something like या बैंडेज या that. कुछ और. And they were poor people. So some और वो गरीब लोग थे. Then, you know, once one
sister brought her child who had fractured her forearm. और एक बार एक बहन ने एक बच्चे को लाया जिसका हाथ का जो आम का हाथ का हिस्सा होता है वहाँ पर उसको एक फ्रैक्चर हुआ था. And she didn't have enough money to go to the hospital. और उस बहन के पास पर्याप्त पैसा नहीं था कि वो उसको अस्पताल ले जाए. We have to pay for all the treatment. इसलिए हमें जो उनके इलाज के लिए पैसा देना पड़ता था. So I had to make a splint and put a plaster of Paris bandage and all. और फिर मुझे उसको वहाँ पर इलाज कर उधर बैंडेज बांधना पड़ता था. And there with the children, I had to do all that. But then, और ये सब मुझे मेरे बच्चों के साथ करना पड़ता था. And I felt like I'm doing what the Lord wants me to do. फिर मुझे उस समय ऐसा एहसास हुआ कि ये मैं वो कर रही हूँ जो प्रभु चाहता है मैं करूँ. And the Lord give me grace. और तब परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता था. Then I thought, if I'm neglecting my children, what will happen to them? But now I see them. They all turned out okay. और मैं उस समय ऐसा सोचती थी कि अगर मैं अपने बच्चों को अनदेखा करूंगी तो उनके साथ क्या होगा. लेकिन अब जब मैं उनको देखती हूँ कि वो ठीक है and they are serving the Lord. और वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. Now when I see my daughters-in-law doing the same thing that I am doing. और अब जब मैं देखती हूँ कि मेरी जो बहुएं हैं वो कर रही है जो मैं किया करती थी. Oh no. They're going through the same thing, but और फिर मैं इस बात को एहसास कर पाती हूँ कि ये वो भी इसी चीज से गुजरती है. They are happily doing that. पर वो आनंद के साथ इसको कर रही है. So I'm so happy that in the end everything is worked out well. और मैं इस बात के लिए आनंदित तो खुश हूँ कि अंत में सब कुछ अच्छा ही हुआ भला ही हुआ. अद्भुत. Why haven't you moved to the US? और आप अमेरिका देश में क्यों नहीं आ गई रहने के लिए क्योंकि यहाँ पे आपके नाती पोती रहते हैं. That's a hard question to answer. और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सवाल है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ. I love my grandchildren so much. मैं अपने जो नाती पोती है मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ. My children, but I think I love my grandchildren more. और मैं अपने बच्चों से भी प्रेम करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मेरे नाती पोती के साथ मैं ज़्यादा प्रेम करती हूँ. So, and I have 17 of them. और मेरे पास 17 नाती पोती है. So, half of me wish that I could move here, but I. और मेरे अंदर आधा मेरा मन है कि मैं यहाँ पर अमेरिका में आ जाऊँ. माय फैमिली माय चर्च फैमिली एंड सो मेनी पुअर चिल्ड्रन देयर. लेकिन मेरे कलीसिया मेरा परिवार बहुत सारी गरीब बच्चे मेरे वहाँ पर है भारत में. आई डोंट हैव द हार्ट टू लीव देम. और मेरे पास ऐसा हृदय नहीं है कि मैं उनको छोड़कर जाऊँ अभी तक. आई वांट टू बी देयर फॉर देम. मैं वहाँ पर मौजूद रहना चाहती हूँ उनके लिए. Support them, console them. और मैं उनको सहायता देना चाहती हूँ उनके साथ रहना चाहती हूँ उनको शांति प्रदान करना चाहती हूँ. Give them good advice, love them. और उनको अच्छी सलाह देना चाहती हूँ उनको प्रेम करना चाहती हूँ. And whenever I come here, I try to take back something for them. और जब कभी मैं यहाँ पे आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ले जाऊँ. So make them happy. So, ताकि मैं उनको खुश कर पाऊँ. So, right now I'm happy to be in India and come and visit you all. और अभी के लिए तो मैं भारत में रहने के लिए खुश हूँ और आप लोगों को कभी कभी मिलने के लिए आती हूँ. You got plenty of children in the US too. Yeah. और आपके पास अमेरिका में भी आपके पास बहुत बहुतायत से बच्चे हैं. How did you stay connected with dad when you had small children? You're busy probably from before they get up to after they go to bed. और आप कैसे अपने पति के साथ एकजुट हो पाई एक वो समय बिता पाई क्योंकि आपके छोटे बच्चे थे फिर वो छोटे बच्चे उठते थे उनको देखना वो सब देख रेख करना. All the exercise for mothers. और जो माँ माओ की जिम्मेदारी होती है जो कुछ करना पड़ता है माओ को. Have to take care of the children from morning to night. क्योंकि सुबह से लेकर रात तक बच्चों को देखभाल करनी पड़ती है माँ को. What is anything you did to stay connected to dad? फिर आपने ऐसा क्या किया कि आप अपने पति के साथ जुड़ी रही. जैसे वो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो एक एक जुट होना होता है. First of all, I can say I didn't want to be disconnected with him.
और सबसे पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे पति के साथ मुझे दूरी नहीं रखनी है, I didn't want anything to come between me and my husband. और मैं नहीं चाहती ऐसी कोई भी चीज मेरे और मेरे पति के बीच में आ जाए. Anything that would bring a distance between us. So, और ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे हम दोनों के बीच में एक अंतर आ जाए या हम दोनों के बीच में एक दूरी आ जाए. So, you know, we hear in the church how to deal with all these things. और आप जानते हैं कि हम कलीसिया में सुनते रहते हैं कि इन सारी चीजों के साथ कैसे व्यवहार करना है. To live in a harmonious way. कैसे एकजुटता, एक एकाग्रता के साथ एकजुट होकर रहना है. Not do things to irritate the other. और हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जो दूसरे को चिढ़ दिला दे या चिड़चिड़ा कर दे. So, first of all, I tried my best not to be disconnected with God's help. और मैं परमेश्वर की सहायता से मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं मेरे पति के साथ दूरी ना रखूं और एकजुट हो जाऊं. Then at night and before you children got up, we got some time to talk together. और रात के समय जब आप बच्चे सो जाते थे तब थोड़ा समय मिलता था हम दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए. Mostly about the children and the church matters. और विशेष तौर पर बच्चों के विषय में और कलीसिया के विषयों के लिए. And sometimes dealing with relatives also. और कई बार जो रिश्तेदार है उनके साथ जो व्यवहार करना है उस विषय के लिए भी. Some pressures would come, but all those pressures brought us together. और ऐसे कुछ दबाव आते थे लेकिन वो सारे दबाव जो है उसने हम दोनों को एकजुट कर दिया और करीब लाया एक दूसरे के. Didn't make us disconnected. और लेकिन हमको एक दूसरे से अलग नहीं कर दिया. They made us connect. और उसने हम दोनों को एकजुट कर दिया. Because I felt like I knew that my husband was serving the Lord. क्योंकि मैं इस चीज को जानती थी कि मेरे पति जो है वो परमेश्वर की सेवा करते हैं. And I wanted to support him in that. और मैं अपने पति को उस चीज में सहायता करना चाहती थी. I didn't want to be a hindrance to him. Like, और मैं मेरे पति के लिए रुकावट नहीं बनना चाहती थी. Like for instance, if he was getting ready for a Sunday meeting. जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर वो रविवार की सभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं. And he has to speak. और उनको वहाँ पर प्रचार करना है तो. I didn't want him to think that, oh, he has to help me with the breakfast and the getting the kids ready. और मैं नहीं चाहती थी मेरे पति ये सोचे कि मैं मुझे नाश्ता तैयार करना है और बच्चों को ये करना है, मैं बहुत संघर्ष कर रही है. मेरे पति का इस चीज पर ध्यान नहीं जाना चाहिए. I felt like he should be free. और मैं सोचती थी कि मेरे पति स्वतंत्र रहे, आजाद रहे, ताकि. Because he is serving the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. I want to do my part. और मुझे अपना भाग करना है. So that everything is easy for him. ताकि मेरे पति के लिए सारी चीजें आसान हो जाए. So the kids, the children's things are taken care of. ताकि बच्चों की सारी चीजों की देखभाल की जाए. The meals are taken care of. और खाना जो बनाना है, भोजन तैयार करना है, वो भी मैं कर लूँ. As much as possible, I could. Plan and do. और जितना हो सके कि मैं उस चीज़ को पहले से योजना बनाकर उसको तैयार करूँ. And keep it ready. और मैं तैयार रखूँ उसको. So that he go relaxed. ताकि वो आराम से जाए पति मेरे. And he should not feel like, oh, my wife is struggling. और वो ऐसे नहीं सोचनी चाहिए मेरे पत्नी बहुत संघर्ष कर रही है. I should be at home to help her. और मैं घर पर रहकर उसको सहायता प्रदान करूँ. He shouldn't have that heaviness about the home. और उनके अंदर वो घर के विषय को लेकर एक वजन हो उनके दिल पर या एक दबाव नहीं होना चाहिए घर के विषय में. If at all if there was a burden, it should be the burden concerning God's work or the church. और अगर कोई बोझ उनके अंदर मौजूद होना चाहिए तो वो प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए. That part he has to deal with. क्योंकि ये भाग है जो उनको उसके साथ व्यवहार करना है. With the Lord's strength, वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा. Anything concerning with the home, लेकिन घर के विषय में कोई भी चीज हो, I felt that I should take care of. और मुझे लगा कि मुझे उस चीज की देखभाल करनी, मुझे देखना है. And that way, I would do my part in building the church. और इस तरह से मैं अपना भाग करती थी ताकि मैं कलीसिया को निर्माण करूं. And being connected with him. और मैं अपने पति के साथ जुड़ी रहूं. He always should feel that. He has a helper near him.
और मेरे पति को हमेशा ऐसा एहसास होना चाहिए कि मेरे पास हमेशा एक सहायक मौजूद है बिहाइंड हिम और उसके पीछे मेरे पीछे खड़ा है वो सहायक सपोर्टिंग हिम और मुझे सहायता प्रदान करता है साथ देता है और मेरे साथ रहता है. So as you raise children, one of the big areas where parents struggle with it, at least I know, my wife struggles with it. और एक जो क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे जब बड़े होते हैं तो माता पिता जिस चीज को लेकर संघर्ष करते हैं जैसे मैं भी जानता हूँ. In terms of food. और वो है भोजन. Portion control or getting children to eat. और ऐसे चीजें जो बच्चे लोग खाते हैं. All those things that relate to food and then also as you know, in this culture, there's a lot of, I'm sure it's going all over the world where. और जैसे यहाँ का जो रीति रिवाज है या आपका जो संस्कृति है वो अलग है जैसे खाने पीने में सब चीज़ में अलग है. Unhealthy relationship with food. और जो खाने के साथ भोजन के साथ एक ऐसा जो है जो स्वास्थ्य नहीं है ऐसा रिश्ता रखता है जो निस्वास्थ्य रिश्ता रखता है. Affects the way children think. और बच्चों को इसका बहुत प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है उनको परिणाम भुगतना पड़ता है. So maybe you can share maybe your experiences as a mother, but also as a doctor. लेकिन आप एक माँ होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते भी इस चीज पर बताइए. In terms of how to deal with children and food. और कैसे बच्चों के साथ भोजन के विषय में हमें व्यवहार करना चाहिए. You can take it anywhere you want it. आप कोई भी उदाहरण लेकर बता सकती है. I already said that with my first few children, I was tending to overfeed them and like sometimes they throw up because I और मैं मेरे जो पहले दो बच्चे थे उनको मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती खिलाती थी ज़्यादा खिलाती थी ऐसा कभी कभी ऐसा होता था कि वो उल्टी कर देते थे या थूक देते थे उस खाने को forcing them to eat. क्योंकि मैं उनको ज़बरदस्ती करती थी खाने के लिए. But later on I understood. लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ को मैंने समझा how to deal with that. कि इस चीज से कैसे व्यवहार किया जाए. But I learned, I mean, I over the years I decided that I should make meal times a fun time. और फिर मैंने कुछ सालों के बाद इस चीज को सीखा कि मुझे जो खाने का समय है उसको एक मजेदार बनाना चाहिए. All this I have to eat, all this spinach and all. और जैसे कि मान लीजिए एक पालक रखी है सामने हो ये बहुत ही मजेदार होगा इस तरह से रखी हुई है पालक और वो ऐसा रखा है वो ऐसा रखा है. I try to make it a little more interesting. और मैं उसको और दिलचस्प बनाने की कोशिश करती थी. So that it would be easier for them to eat. और ताकि वो उनके लिए और ज्यादा आसान हो जाए खाने के लिए. So I'll say, okay, you finish the greens first. और फिर मैं कहती थी वो बीन्स को आप पहले खाइए. Then you're done with it. और फिर जब आप उसको हो जाएगा तो Then you can eat the other things. फिर आप अलग अलग चीजों को खाइए. So they would gulp it down with some water. And और कभी कभी वो उसको निगल जाते थे पानी के साथ खा लेते थे. And then they would eat the other things. फिर वो दूसरी चीज को लेकर खाना खाने लगते थे. My suggestion now would be all moms now have some access to material. और मेरी सलाह ये होगी कि सारी माओं को अब जो है वो जो I mean regarding food, nutritional food. अभी बहुत सारे ऐसे साधन उपलब्ध है जहाँ पे बच्चों के लिए पोषण देने वाले खाना पोषण देने वाला खाना क्या है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध है. Either internet or books or something. या आप कोई किताबों में पढ़ सकती है या इंटरनेट में भी देख सकती है. Go through that and see. और आप उसके और से गुजरिए और उसमें देखिए. Which are the healthy foods? कौन सा खाना है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. Which for the kids now. विशेष तौर पर बच्चों के लिए अभी के लिए. Like too much fatty food and you know all that. और जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी होती है जिस खाने से या जिसमें अच्छा पोषण मिलता है वैसे खाने के लिए We should avoid. And वो पोषण अगर नहीं मिलता है चर्बी अगर ज़्यादा बढ़ती है तो वो खाना हमें उसको नहीं खाना चाहिए. Try to make as much as possible home
cooked food rather than eating out. और हमेशा कोशिश कीजिए कि घर के अंदर बना कर दिया हुआ खाना ही बच्चे खाए, इसके अलावा कि बाहर जाकर खाए. When you eat out, you find that they compromise on healthy food. और जब आप बाहर जाकर खाना खाने लगते हैं तो फिर वो देखेंगे कि जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना है उसके प्रति वो समझौता करने लगेंगे. You know everything concerning health. क्योंकि आप जानते हैं स्वास्थ्य के लिए ये जो भी विषय है. So try to make healthy home foods and और इसलिए कोशिश कीजिए कि घर के अंदर स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वैसा घर में बनाया हुआ खाना बनाइए. Make it like different varieties, even though और आप उसको अलग अलग तरीके से बनाइए. You have to make meat and vegetables and things like that. अगर आपको सब्जियां बनानी, मटन बनाना या ऐसे कुछ आपको बनाना है तो give a variety so that they may eat the same vegetables but और आप उनको अलग अलग तरीके से बनाइए ताकि अगर वो वही चीज खाते भी है तो भी in a different form. लेकिन उनको अलग तरीके से वो मिलता है. या आप बॉईल करके बनाइए या कटलेट जैसा जैसा भी कोई भी तरीका है जैसे वो खाने का हो. you know which way your children like it. और आप जानते हैं आपके बच्चों को कैसा खाना पसंद है. What else did you say about if it's a teenager or adolescent. और अगर किशोर अवस्था के अगर बच्चे हैं या फिर जवान बच्चे हैं तो girl if I had अगर लड़की है तो and she was having problem eating और अगर उसको खाने के लिए बहुत समस्या हो रही है I'd have to like spend time with her and tell her now you have to eat a certain amount of protein I mean meat and vegetables and all और मुझे उसके साथ बैठकर उसको समझाना पड़ेगा कि तुम्हें जो सब्जियां खाने की या फिर जो प्रोटीन जो खाना देता है जिस मटन हो या सब्जियां हो ये खाने की आवश्यकता है. एंड मेक श्योर दैट यू डोंट ओवरईट द थिंग्स व्हिच आर हार्मफुल फॉर यू. और आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप उस चीज़ को ज़्यादा ना खाएं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है. Don't go straight to the ice cream. और आप ऐसे चुनाव जब करते हैं तो केवल आइसक्रीम खाने के लिए ही ना सोचे. Section. Just take the things which are good for you, small portions of that. और कौन सी चीजें जो अच्छी आपके लिए वो खाइए उसके थोड़े थोड़े भाग खो लीजिए. Don't take fill up your plate with a lot of food. और आपके जो थाली है उसको पूरा भोजन से भर ना दीजिए. Then you won't be able to finish it. फिर आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे. Just take small helpings of what you can eat. और थोड़ा थोड़ा उसकी सहायता लीजिए जो आप खा सकते हैं. Then you can go back and take. But फिर आप फिर से जाकर दोबारा और ले सकते हैं. Minimum, I mean small helpings of the meat, small helpings of the vegetables. और जैसे थोड़ा सा मटन, थोड़ी सी सब्जी. And the other things. और दूसरी चीजें. And then finally you go to the ice cream and then you. और फिर आखिर में आप आइसक्रीम के पास जाइए. Think like. Okay, I had ice cream yesterday. और फिर ऐसे सोचिए कि हाँ मैंने कल आइसक्रीम खाई थी पहले ही. So today I'll take a little less. Like और इसलिए मैं आज थोड़ा सा ही लूंगी. You reward yourself. और ऐसे तुम अपने आप को प्रतिफल दे सकती हो. I haven't had ice cream for 1 week. So और मैंने एक हफ्ते तक आइसक्रीम नहीं खाई थी. So maybe I'll take a little more today. इसलिए आज शायद मैं और ज्यादा थोड़ा सा खा सकती हूँ. Like you teach your child. आप अपने बच्चों को सिखाइए. Making rules for your child. और अपने बच्चों के लिए इस नियमों को बनाने के बजाय teach your child to make the decision. उनको सिखाइए निर्णय लेना. Yeah, now I'm going to reward myself with a little bit of more of ice cream. अब मैं अपने आप को प्रतिफल दूंगी थोड़ी सी और आइसक्रीम खाकर. I had ice cream in the past 3 days, so today I can do without. और पिछले 3 दिनों से मैं आइसक्रीम खा रही हूँ इसलिए मैं आज उसके बिना ही खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी मैं. So make the child take that decision. इसलिए बच्चे को ये निर्णय लेने के लिए आप सिखाइए. That I'm going to be healthy because you're not. We are not going to be around for our children forever. क्योंकि ऐसा है कि हम अपने बच्चों के लिए उनको बताने के लिए हमेशा उनके पास मौजूद नहीं रहेंगे. One day they leave us or one day the Lord will take us away. और एक दिन वो हमें छोड़कर जाएंगे या शायद एक दिन परमेश्वर हमें बुला लेगा.
और फिर हमारे बच्चों को अपने आप ही खुद की देखभाल करनी पड़ेगी. सो आई फील दैट इफ यू गिव देम गुड गाइडलाइंस एंड यू टेल देम these are the things you must have. और अगर आप उनको सही नियमों को प्रदान करेंगे देंगे तो और उनको बताएंगे कि इस तरह से तुम्हें करना चाहिए तो these things you must not. ये आपको नहीं खाना है और ये आपको खाना है. And also tell them about not just sit and eat the wrong type of food but do some exercise. और उनको ये भी सिखाना है कि आप कुछ भी गलत चीज भोजन को मत खाइए और फिर खाने के बाद वैसे ही बैठे रहेंगे कुछ शरीर में कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे. Encourage them, go for walks to... और उनको आप व्यायाम के लिए प्रोत्साहित कीजिए या फिर कहीं बाहर चलने के लिए together with them. और उनके साथ आप भी जाइए. I think that's it. मेरे ख्याल से ये काफी है. Personally, I didn't have problem with the overweight. But some people... और मेरे ख्याल से व्यक्तिगत तौर पर हमें ये कोई समस्या नहीं थी कि ज़्यादा वजन बढ़ गया था इस चीज़ के साथ. We'll have that. लेकिन कुछ लोगों को ये है. Because in the place where I grew up, we had to walk a lot. क्योंकि मैं जिस तरह से पली बड़ी हूँ वहाँ पे हमें काफ़ी चलना पड़ता था. I had lot of work to do at home. और मुझे घर पर बहुत सारा काम करना पड़ता था. The oldest of nine children. So my problem was that I needed to eat more food. और मुझे नौ बच्चों को हम नौ बच्चे थे हमको संभालना पड़ता था और मेरा विषय मेरी समस्या ये थी कि मुझे और खाने की आवश्यकता थी. But nowadays the children don't have that much of fare. लेकिन आजकल जो बच्चे हैं उनको ऐसा कुछ नहीं है उनके सामने ऐसी परिस्थिति जिसमें उनको व्यायाम करना चाहिए. To encourage the... children to play games with them. इसलिए आप बच्चों को गेम्स खेलने के लिए कोई खेल खेलने के लिए आप उनको प्रोत्साहित कीजिए. उनके साथ आप भी खेलिए and go for walks with them. और उनके साथ कहीं चलने के लिए जाइए. go for hikes with them. और उनके साथ कहीं ऊपर चढ़ाई करते हैं जैसे पहाड़ों पर कई ऐसे जगह में आप जा सकते हैं. and if you have some time do things sports and things with them. और आपके पास और पर्याप्त समय है तो आप उनके साथ खेल भी खेल सकते हैं. स्पोर्ट्स के जैसे खेल होते हैं वो भी खेल सकते हैं. So as you talk about teenage children, 14 age boys growing up. और अभी जैसे आपने बताया कि जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं जैसे 14 साल के बच्चे होते हैं. Who are growing stronger and stronger and और जैसे चार बच्चों के माफ़ कीजिए आपने चार बच्चों के बारे में बताया जो बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे सामर्थ्यशाली होते जा रहे थे ऐसी बढ़ोतरी हो रही थी उनकी. As we were growing older, how did... और आप बूढ़ी हो रही थी. You, and we were also learning to say no and be rebellious and all those rebellious teenagers that all of us go through. और आप फिर इस चीज़ के लिए उनको ना कहती थी फिर वो बलवा करते थे फिर या फिर ऐसे चीज़ों के साथ आप कैसे व्यवहार करती थी. What advice do you have? What any lessons you learn? What advice do you have for other parents? और आपने कौन से पार्ट को सीखा है और दूसरे माँबाप के लिए आपके पास क्या सलाह है उनको देने के लिए? Children of that similar age. क्योंकि जो माँबाप ऐसे यही उसी उम्र के बच्चों को जो बड़ा कर रहे हैं उनके सामने ये जो परिस्थिति है. I realized that as my children were getting smarter. और मैंने इस चीज़ को मैंने एहसास किया जैसे मेरे बच्चे और बड़े हो रहे थे चालाक हो रहे थे smarter than me, मुझसे भी ज़्यादा चालाक हो रहे थे. then I, and they could do things like those days there were no cell phones and things. और वो ऐसे चीज़ों को करते थे जैसे उन दिनों में तो सेलफोन्स फ़ोन मोबाइल फ़ोन ऐसा कुछ नहीं होता था. God. और प्रभु का धन्यवाद है इस चीज़ के लिए. so, you all have to face that. और आप लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा आज. I don't know how you'll deal with that. मैं नहीं जानती आप कैसे इसके साथ व्यवहार करेंगे. But I knew that my children love to play cricket. लेकिन मैं इस चीज़ को जानती थी कि मेरे बच्चों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था. So that was the point in which I could poke them. और ये जो विषय था इसमें मैं उनको गुदगुदी कर सकती थी या सजा दे सकती थी. so the punishment I mean when my husband was around he would do the disciplining. लेकिन मेरे पति जब इर्द गिर्द मौजूद होते थे तो वो अनुशासन का भाग वो करते थे. I was very thankful, but और मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ.
Sometimes he had to go out of town and I couldn't wait for him to come. और कभी कभी उनको शहर के बाहर जाना पड़ता था और मैं उनके लिए इंतजार नहीं कर सकती थी. When the children were smaller, when you are smaller, you remember I used to ask you to write 100 times. I will not do this again. और मैं मुझे याद है कि जब बच्चे आप लोग बच्चे जब छोटे थे तो मैं आपको कहती थी लिखने के लिए सजा देती थी कि आप ऐसा लिखिए मैं फिर से नहीं करूँगा मैं फिर से नहीं करूँगा ऐसे लिखने के लिए कहती थी. And that will be like improve your handwriting. और फिर मुझे ऐसा लगता था कि इससे उनके जो अक्षर है लिखित अक्षर काफी सुधरेंगे. But then I found out much later there were pages and pages of paper. I will not. So you just have to fill in the missing and that will be ready made. और फिर मैंने बाद में इस चीज़ को पाया कि बहुत सारे ऐसे पन्ने भरे पड़े होते थे मैं नहीं ऐसे लिखकर फिर जब माँ ऐसे सजा देगी तो हमें केवल एक ही अक्षर लिखने की ज़रूरत पड़ती थी ऐसे बच्चे चालाक थे. So I knew that you always you are smarter than me. और मैं इस चीज़ को जानती थी कि आप मेरे से भी ज़्यादा चालाक हो. So I had to find newer ways of... और फिर मुझे इसलिए आप लोगों को अनुशासित करने के लिए अलग 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 रास्तों को ढूंढना पड़ता था नए नए रास्तों को भी. और मुझे पता था कि सारे बच्चे शाम के समय क्रिकेट खेलते थे. और मैं ये जानती थी आप बच्चों के अंदर सबसे खुशहाल जो समय था वो आपके लिए ये था आप क्रिकेट खेलते थे. When you come home from school, और जब आप स्कूल से वापस आते थे and you can take the cricket bat, और आप क्रिकेट की वो बैट लेते थे and play, और खेलते थे cricket. So then I said, okay, because you did this today, you can't play cricket. फिर मैं ऐसे कहती थी ठीक है अभी आपने ये किया है इसलिए आज आप क्रिकेट नहीं खेलोगे. Your brothers can play, आपके भाई खेलेंगे लेकिन and you have to stay, लेकिन आपको नहीं खेलने मिलेगा आपको घर पे रहना पड़ेगा. Come home and help me or stay in bed or... और आओ घर पर मुझे मदद करो या फिर बिस्तर पर लेटे रहो. Something. So then some of you would plead and say, "Mom, please give us a spanking." I take the spanking and go and play cricket. और आप में से कुछ लोग मुझे आकर विनंती करते थे कि माँ आप मुझे हमें मारिए लेकिन क्रिकेट खेलने से मना मत कीजिए हमें मारना ज़्यादा पसंद मारना हम हमारे लिए चल जाएगा लेकिन हमें क्रिकेट खेलने से मत रोकिए. So then my heart was too soft. I said, okay, if you do it again, we'll have to take a seat. और मेरा हृदय इतना कोमल होता था कि मैं कहती थी ठीक है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो लेकिन अगर दोबारा आप तुम इस चीज़ को करोगे तब फिर हमें इस चीज़ के साथ व्यवहार करना पड़ेगा. Yes. और गंभीरता से लेना पड़ेगा. So then each time I had to find different ways of disciplining. और इसलिए हर बार एक अलग तरीका मुझे ढूंढना पड़ता था बच्चों को अनुशासित करने का. So one day I decided I'm going to hide the cricket bat. So और एक दिन मैंने ऐसा निर्णय लिया कि मैं क्रिकेट बैट को ही छुपा दूंगी so they are not going to find it. ताकि उनको वो मिलेगी ही नहीं. And, I didn't tell anybody where the cricket bat was. और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने क्रिकेट बैट को कहाँ पर छुपाया है. So they came home. और फिर वो घर आए. And then, they must have looked for the cricket bat. उन्होंने शायद क्रिकेट के बैट को ढूंढा होगा and they didn't find it. नहीं मिली होगी उनको. So I said, okay, now let's see them. और फिर मैंने सोचा कि देखते हैं अब कैसे क्रिकेट खेलेंगे. What they going to do? And they put on their playing shoes and went out and there was a cricket bat and ball and they were playing with that. और फिर मैं देखती थी कि उन्होंने अपने क्रिकेट के शूज पहने हैं वो बाहर चले गए उनके पास बैट भी मौजूद है बॉल भी मौजूद है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं. Then I thought, okay, maybe some friend has brought it. और फिर मैं सोचने लगी अच्छा कोई दोस्त ने लाई होगी वो क्रिकेट बैट खेलने के लिए. I must find out this, who's that friend who bring. फिर मुझे उस दोस्त को ढूंढ निकालना पड़ेगा किसने बैट लेकर आई. और मैं हमेशा इस रास्तों को ढूंढती थी कि मैं कैसे और चालाक बन सकती हूँ इन चीजों में. Then I found out they had a good cricket bat and a ball. In grandma's house. फिर मुझे इस चीज़ का पता चला कि ग्रैंडमा के घर पर दादी के घर पे एक अच्छा क्रिकेट बैट और बॉल मौजूद था. वहाँ पर मेरी सास रहती थी थोड़ा सा अंतर थोड़ी दूरी पर रहती थी. Because one day she came home and she said, why didn't the children come today for the cricket bat? और एक दिन क्योंकि वो घर पर आई और कहने लगी
कि बच्चे क्यों नहीं आए क्रिकेट के बैट को लेने. Then I realized, okay, they are smarter than me. फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बच्चे मुझसे भी ज्यादा चालाक है. They found a place where they can hide a good cricket bat. और उनको एक जगह मिल गई है कहाँ पर वो अच्छे क्रिकेट बैट को छुपा सकते हैं. So each time I was learning, but on the whole, you did well. और हमेशा मैं ऐसे हर समय मैं सीखती थी और लेकिन बच्चे लोग अच्छा कर रहे थे चीजों के लिए. Few days, but you know what I hated most was when daddy used to discipline. और मुझे इस चीज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब पिताजी आकर उनको बच्चों को अनुशासित करते थे. I try my best to do the discipline myself because. और मैं पूरी कोशिश करती थी कि जो अनुशासन करने का भाग है वो मैं करूँ पूरी तरह से. Daddy's discipline was a lot more harder. क्योंकि पिताजी का जो अनुशासन था वो बहुत ज्यादा कठोर था. And if he said no playing cricket, there was no way. Maybe he'd say no playing cricket for a whole week. और अगर पिताजी ने कह दिया कि नहीं खेलेंगे तो फिर वो नहीं खेलेंगे होगा. और कभी कभी तो पूरे एक हफ्ते के लिए पिताजी क्रिकेट खेलने के लिए अनुमति नहीं देते थे. So I thought, okay, make it easier for them. But और फिर मैं सोचती थी कि मैं उनके लिए और थोड़ा आसान बना पाऊंगी. But on the whole, you took the disciplines well. और फिर आप सारे बच्चों ने अनुशासन को अच्छे से लिया. You turned out good. और फिर आप लोग एक अच्छे बच्चे बने, बड़े होकर अच्छे बने. Thank you. उसके लिए धन्यवाद. I don't know if I'd say I took the disciplines well. मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने उस अनुशासन को अच्छे से लिया है. It's never easy. वो आसान नहीं था मेरे लिए. How do you relax? How did you relax when you were a mother with small children? और आप किस तरह से विश्राम करती है, आराम करती है? How do you find times to relax? जब आपको समय मिलता है आराम करने का. Being with the small children was relaxing enough, I felt. और छोटे बच्चों के साथ रहना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ज़्यादा आरामदायक लगता है, आराम करना लगता है. We could play board games together. और हम साथ में वो बोर्ड गेम्स यानी कैरम बोर्ड्स खेल सकते थे. Like, they would all want me on their team. और वो सब चाहते थे कि मैं उनकी टीम को ज्वाइन करूं. And they want us to win and because when I was on their team then. और वो चाहते थे कि मैं जीत जाऊं और मैं उनकी टीम में रहूं. Make some allowances. Okay. और क्योंकि मेरे लिए विशेष चीजें वो अनुमति देते थे कैरम बोर्ड में. For mommy we'll do this. कि मम्मी ऐसे करेगी. And then we play games. फिर हम ऐसे खेल खेलते थे. That was my relaxation, being और यही मेरा आराम था. With the children. बच्चों के साथ खेलना. And then we go places together. और फिर हम एक साथ मिलकर जगहों में जाते थे. Yeah, I remember one special moment was I had eye problems from a young age. और मुझे याद है जो विशेष एक समय था जब हम गए थे कुन्नूर नाम की एक जगह पे हम गए थे. और वहाँ पर आप चल कर गई, फिर आप बस में बैठी. और फिर जब हमने देखा कि ये वो जगह है जहाँ पर माँ को पूरा दिन चलना पड़ता था. और मुझे याद है कि वो कितने अंतर वाली जगह है, कितनी दूर जाना पड़ता था चलकर. और मैं एक छोटा बच्चा था तब. Going to the doctor's office, I think, yeah. और फिर कैसे डॉक्टर के ऑफिस में जाना पड़ता था. I had to walk 3 miles. It's a hilly area. और मुझे 3 मील दूर चलना पड़ता था क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था. So we had to walk 3 miles to school and 3 miles back. और 3 मील चलकर हमें स्कूल में जाना पड़ता था और 3 मील चलकर वापस आने में भी उतना ही समय लगता था. And on the way back, mom would have a list of groceries for us to pick up. और आने के समय माँ जो है एक चिट्ठी देती थी, एक सूची देती थी जिसमें पूरा जो घर का सामान है खाने पीने का वो सब लाना पड़ता था. And sometimes it'd be raining. और कभी कभी बहुत बारिश होती थी. When we on our way to school. और हम जब स्कूल के तरफ जाते थे. And we couldn't afford to get our shoes wet, so we take off our shoes and socks and put them in our backpack, our bag. और हम पैर में शूज और जो हमारे सॉक्स होते थे उसको रख नहीं सकते थे, तो हम उसको उसको ऊपर सर गले की तरफ, कंधे की तरफ लटका देते थे बैग की तरफ हमारे.
एंड वी वॉक बेयरफुटेड एंड इट वाज सो और हम ऐसे चल कर जाते थे बिना बिना किसी चप्पल के कोल्ड आवर फीट आवर टोज वुड बी और हमारे पैर बहुत ठंडे हो जाते थे ब्लू और हमारे जो उंगलियां है पैरों की वो पूरी नीली जैसी हो जाती थी बाय द टाइम वी रीच स्कूल जब तक हम स्कूल में पहुंचे तब तक बट दैट ऑल दैट वाज गुड फॉर अस मेड अस टफ एंड और वो हमारी भलाई के लिए था उन चीजों ने हमें और मजबूत बनाया हेल्दी और स्वास्थ्य भी अच्छा बनाया हमारा एनी एडवाइस फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स देयर इज अ लॉट ऑफ फियर्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एंड ऑफ द मदर और क्या आपके पास ऐसी कौन सी आपके साथ पास सलाह है जो माँ को बच्चे की अपेक्षा है बच्चा होने वाला है जिनके अंदर बहुत सारा भय होता है बहुत सारे ऐसे डर या चिंताएं होती है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप सी द डॉक्टर रेगुलरली एंड टेक द डॉक्टर्स एडवाइस और आप रोजाना तौर पर डॉक्टर के पास जाइए उनकी सलाह लीजिए बट ऑल मॉम्स हु आर गोइंग टू हैव बेबीज वी हैव अ फियर और हर माँ को जो बच्चा होने वाला रहता है सबके अंदर एक डर रहता है व्हाट विल बी द डिलीवरी कैसी होगी लाइक विल एवरीथिंग बी ओके फॉर द बेबी और फिर कैसे होगा सब बच्चा ठीक तो होगा या नहीं एंड नाउडेज विद द स्कैनिंग एंड ऑल दैट यू कैन फाइंड आउट अ लिटिल बिट बट और अब आजकल तो स्कैनिंग वगैरह जो करते हैं उसके वजह से तो आपको और पता चलता है चीजों का when I was having my children it was a life of faith but और मैं मेरे जब मुझे बच्चे हुए उस समय तो एक विश्वास का एक जीवन था but you know I held on to promise which the lord couple of promises which the lord gave लेकिन उस समय मैंने परमेश्वर ने जो वचन दिया था वायदा दिया था उसको मैं थामे रही There's one promise, especially for those who are bearing children. And I remember. और एक जो विशेष वायदा है उनके लिए जो जिनको बच्चा होने वाला है. When I was expecting children. उस समय मैं बच्चे की अपेक्षा कर रही थी मुझे भी बच्चा होने वाला था. I laid hold on that promise. उस जो वायदा है प्रभु का उसको मैंने थामे रही उस समय. And that's in First Timothy. और वो पहला तिमोथी उसमें है. Chapter 2 verse 15. और पहला तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय का 15वां वचन. It says women shall be preserved through the bearing of children. और हिंदी में लिखा है कि तो भी बच्चे जनने के द्वारा स्त्री उद्धार पाएगी लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि वो बचाई जाएगी बच्चे जनने के द्वारा बचाई जाएगी इफ दे कंटिन्यू इन फेथ एंड लव एंड सैंक्टिटी विद सेल्फ रिस्ट्रेंट यदि वे संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे सो आई हेल्ड ऑन टू दैट प्रॉमिस और इस वायदे को इस प्रभु के वचन को मैं प्रतिज्ञा को मैं थामे रही लॉर्ड आई डू माय पार्ट प्रभु मैं अपना भाग करूंगी I have faith in you. मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगी I love my husband and children and मैं अपने पति से प्रेम करूंगी अपने बच्चे को प्रेम करूंगी All those whom you bring across my path. और जो कोई भी आप मेरे इर्द गिर्द में आप मेरे रास्ते में जिनको लाते हैं I want to sanctify myself. और मुझे अपने आप को पवित्र करना है I want to have self-control and और मुझे एक खुद के ऊपर संयम के खुद को रोकने वाला एक संयम हो चाहती हूँ मैं not give way to anger and things like that. और मैं गुस्से से गुस्सा नहीं करना चाहती गुस्सा नहीं करूँगी try and do my part with your strength. और आपके सामर्थ के द्वारा मैं अपना भाग करूँगी But I claim that promise that लेकिन मैं इस वायदे को आपके सामने मांगती हूँ कि आप मुझे बचा कर रखिए जब आप बच्चा होने होगा तब so I want to share that promise with all of Who are going to get babies. और मैं आप सभी के साथ जो जिनको बच्चा होने वाला है सबके साथ इस वायदे को बांटना चाहती हूँ Claim that promise. First Timothy 2:15. और इस वायदे को आप प्रभु से मांगिए पहला तिमोथियस 2 अध्याय का 15वां वचन And also Jesus said, और यीशु ने भी कहा In so many, Jesus said many times in the Gospels, don't be afraid. Don't be anxious. और सुसमाचार में यीशु ने कई बार कहा है कि डरना मत चिंता मत करना And that's like a
word of the Lord. और ये ऐसा है जैसे परमेश्वर हमें वचन दे रहा है. God says, "Don't be afraid. I'll be with you." और परमेश्वर कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें दूंगा. Don't be afraid of the future. और तुम भविष्य के लिए मत डरो. Be afraid of childbirth. और बच्चे जब बच्चा जब जनोगी उसके लिए भी तुम मत डरो. Lot of things may happen to other women. और बहुत सारी चीजें दूसरी स्त्रियों के साथ हो सकती है. Don't look at them, you look at me. और उनके और मत देखो, मेरे पास देखो. So I held on to that and God. और फिर मैं इस वायदे को थामे रही. God gave me strength. और फिर परमेश्वर ने मुझे सामर्थ प्रदान किया. And the Lord will give you strength too. और परमेश्वर आपको भी सामर्थ प्रदान करेगा. You know, I think you've said that other times that the hardest time in your life, if you think back, was when Sunil left for college. और आपने जैसे मैंने आपसे आपको कहते हुए सुना है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय था जब आपका सबसे छोटा बेटा सुनील जो है वो कॉलेज के लिए जब गया. फिर आपने इसके साथ कैसे व्यवहार किया, कैसे इसका सामना किया? When my oldest son left, I mean he wanted to go and although he had got admission in colleges in India. और मेरा सबसे बड़ा बेटा जब वो गया पढ़ाई के लिए और यहाँ तक कि उसको भारत में अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिल रहा था. He got a good scholarship. पर उसको अच्छी स्कॉलरशिप मिली. He even paid his airfare to go to study. और वो स्कॉलरशिप के साथ उसको जो उसके हवाई जहाज की यात्रा के पैसे भी उसको दिए गए वो भी उसको मिला. So I said, okay, that's good for him. और फिर मैंने सोचा कि ये तो अच्छी बात है. And when the second one, I tried to persuade him. और दूसरा जो है मैं उसको राजी करना चाहती थी दूसरे बच्चे को. Why don't you stay back in India? But he also... और मैं दूसरे बच्चों को कहना चाहती कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहते हो. पर फिर उसने भी निर्णय लिया जाने का. And then Sandeep followed very soon. और फिर उसके पीछे संदीप जो तीसरा बेटा है उसने भी वही निर्णय लिया. Then I thought, I'm not going to let Sunil leave the home. और फिर मैंने ऐसे सोचा कि मैं सुनील को तो जाने नहीं दूंगी. But he got a good scholarship too and he was leaving. और फिर उसको भी सुनील को भी अच्छी स्कॉलरशिप मिली और वो भी जाने के लिए तैयार हो गया. And I felt like I go out of my mind. और मुझे ऐसे लगा अब तो मेरा सर मतलब मुझे कुछ समस्या होगी मेरे मानसिक तौर पर. He also leaves. क्योंकि वो भी जा रहा है. Because I was living for my children. क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए जी रही थी. Given my life. और मैंने अपने जीवन को दे दिया है उनके लिए. And of course my husband is there. हाँ मेरा पति वहाँ पर है निश्चित तौर पर. But we have each other. But if these children leave, I thought my heart would break. और मेरे पति और मैं एक दूसरे के लिए है लेकिन अगर मेरे बच्चे छोड़कर जाते हैं तो मेरा हृदय टूटने जैसा हो जाएगा. But the Lord gave and when Sunil left for college, my husband also had left to put him in college. So I was. और जब मेरा सुनील जब कॉलेज में गया तो मेरे पति ने भी जाने की अनुमति दी. Alone at home. और मेरे पति भी उस समय मैं अकेली घर पर थी. And then that was good. I was alone because I could. और ऐसा समय था कई बार मैं अकेली थी घर पर वो अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि spend time with the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ समय बिता सकती थी. I could ask him. Depend on his strength. और मैं परमेश्वर से मांग सकती थी, प्रभु के सामर्थ पर निर्भर रह सकती थी. And ask him, what should I do now? और फिर परमेश्वर को पूछ सकती थी कि अब मैं क्या करूं? And the Lord, I came much closer to the Lord. और उसके वजह से मैं परमेश्वर के और ज्यादा करीब आने लगी. What time to read the word of God? और मैं बहुत सारा समय बिताती थी परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए. Meditate. और मैं उस पर मनन करती थी. And got comfort from him. और परमेश्वर के द्वारा मैं शांति को प्राप्त करती थी, सांत्वना पाती थी. Fresh experiences in the baptism of the Holy Spirit. और मैं ताजे अनुभव को जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के अंदर मिलता है वो पाती थी. And the Lord showed me that you have other children here. और फिर परमेश्वर ने मुझे इस चीज को दिखाया कि तुम्हारे पास यहाँ पर दूसरे और बच्चे हैं. I mean, there are other God's children here. और मेरा मतलब है कि यहाँ पर दूसरे और भी परमेश्वर के बच्चे हैं जिसके मैं देखभाल कर सकती हूँ. I can do all that I wanted to do. और मैं जो कुछ करना चाहती हूँ मैं कर सकती थी. I wanted to take care of sick people.
और मैं बीमार लोगों के लिए की देखभाल करना चाहती थी और मेरे जब बच्चे घर पर थे उस समय मेरे पास बहुत ही थोड़ा थोड़ा अवसर था उस उन सब चीज़ों के लिए People in the church were sick, I would care for them. और जब अगर कलीसिया में कोई बीमार है तो मैं उनकी देखभाल करती थी But then, I had a friend who had his own hospital. और मेरे पास एक मित्र था जिसका खुद का एक अस्पताल था And he was my classmate. और वो मेरे कक्षा में भी मेरे साथ में था And he used to often ask me to come and help him in his hospital. और वो लगातार आकर मुझे कहता था कि मुझे अस्पताल में आकर सहायता प्रदान करने के लिए Hospital. So I decided, okay, after my husband returns, we are going to pray about it, and I'll go back to that hospital. और मैं सोचती थी कि जब मेरे पति लौट कर आएंगे तो हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे अगर परमेश्वर चाहता है तो मैं उस अस्पताल में जाकर सेवा करूंगी Then go to that hospital and work in every department and brush up my medical knowledge. और मैं उस अस्पताल में जाकर हर डिपार्टमेंट जो है जाकर मैं वहाँ पर अपना जो मेडिकल का मेरा जो समझ है ज्ञान है उसको मैं ताज़ा करती थी So that gave me a kind of new ambition in life. और फिर ये चीज़ ने मुझे एक नई महत्वाकांक्षा दी मेरे जीवन में और मेरा जो भाग था वो मैंने पूरा किया और मैंने अब बच्चों के लिए जो भाग करना था मैंने कर लिया अब बाकी मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु आप सब चीज को संभालिए आप उनको देखभाल कीजिए Going back to the medical. और फिर मैं इस मेडिकल के नए इसमें मैं जा रही हूँ और मैं इसमें भाग ले रही हूँ into the hospital and working in every department. और फिर मैं अस्पताल में जाकर हर एक डिपार्टमेंट में काम करने लगी it was a different language also, but the Lord helped me to pick up. और वहाँ पर अलग भाषा थी लेकिन परमेश्वर ने उसको सीखने के लिए मेरी सहायता की the Lord and I got the confidence which I needed. और मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ जो जिसकी मुझे आवश्यकता थी ताकि जो बीमार है हमारे जो गांव के कलीसियाओं में उनकी मैं देखभाल कर पाऊँ So that way I had something to and then I was so happy that my husband and I have more time with each other और मैं इस बात को लेकर भी बहुत खुश थी कि मैं और मेरे पति दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ और ज्यादा आप समय बिता सकते हैं and we became companions and we needed each other as we are growing old together और हम दोनों को एक दूसरे की बहुत आवश्यकता थी हम दोनों एक दूसरे के साथी बन गए और जैसे हम और बुजुर्ग होते जा रहे हैं इसलिए and we depended on each other we To remind each other और हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने लगे और एक दूसरे को याद दिलाने लगे कि हमको क्या करना है we do everything together. So, और हम साथ में मिलकर करने लगे if I cook something, there's nobody else, like I didn't have to save anything for the children. और जब मैं खाना बनाती थी तो ऐसा कुछ मुझे बचा कर नहीं रखना है बच्चों के लिए ऐसा रहता था होता था so we, I take the first portion to him to taste. और फिर मैं पहला भाग जो है पति को मेरे जो चखने के लिए कहती थी कि कैसा है is it salty or is it good enough? क्या ये अच्छा है या बहुत ज्यादा नमक डाल दिया है and then we cook and we eat together. और फिर साथ में ऐसे मिलकर बनाते थे और एक साथ खाने लगे and somebody comes and share with them. So, और अगर कोई दूसरा घर पे आता है तो उनके साथ भी बांटते थे it was a different type of life. और ये अलग तरह का जीवन था and though I look forward to the children coming home, और यहाँ तक कि मैं बच्चों का इंतजार करती थी कि बच्चे घर पर आएंगे I enjoy life living with my husband and लेकिन मैंने अपने पति के साथ जीवन जीने का आनंद उठाया companionship with और उनके साथ एक जो साथीदार होता है वैसे with him. So that's how the Lord helped me. और इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपको जो भी आशीष मिला है उसके बारे में लेकिन But I think it, what struck me about you saying that Sunil leaving home was the most difficult thing that gone through. लेकिन आप जैसे कह रही थी कि जब सुनील घर से जा रहा था तो वो आपके लिए बहुत ही कठिन चीज थी is because I think many of you know that your siblings and your family members took
यू एंड दैट कोर्ट। और जैसे आप बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है कि आपके जो भाई बहन है या आपके परिवार के लोगों ने ही आपको कोर्ट तक ले गए थे, कोर्ट कचहरी तक, एंड सूड यू गाइस एंड क्रिमिनल कोर्ट केस ऑल दैट स्टफ। और फिर आप बहुत जल्दी आपने देखा ऐसा सब अवस्था हुई है। सो आई वाज क्यूरियस इफ यू हैड एनी थॉट्स एंड रीजंस व्हाई यू सेड दैट इज नॉट एज वाजंट एज डिफिकल्ट फॉर एस मी लिविंग इन एनी काइंड ऑफ। और मैं ये चीज़ के ऊपर सोच रहा था कि ये आपके लिए कितना उतना कठिन नहीं था जैसे सुनील आप घर छोड़ के जब जो कॉलेज के लिए जा रहा था। और हम लोग जो मेरे भाई बहन हैं या मेरे माता पिता हैं, हम लोग बहुत ही एक करीबी एक परिवार थे। And I being the eldest, we were very close. और मैं सबसे बड़ी थी उनमें, इसके लिए मैं और ज़्यादा उनके करीब थी। But throughout the after my marriage, I realized that my position is with my husband. लेकिन मेरे शादी के बाद इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो मेरा जो स्थान है वो मेरे पति के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। And I want to be united with him and join him in what he is doing. और मुझे अपने पति के साथ एकाग्रता में होना है और जो कुछ वो कर रहे हैं उसके साथ एकता में रहना है पति के साथ, in building the body of Christ. ताकि मैं कलीसिया का निर्माण कर सकूं. So I knew where my position was. और मैं जानती थी कि मेरा स्थान क्या है. And although my and I realized that my siblings didn't see eye to eye. और मैंने इस चीज़ का एहसास किया कि मेरे जो भाई बहन थे With what we were doing. उसके लिए वो अच्छा उनको नहीं पसंद आया कि हम क्या कर रहे हैं. So, I felt sad that मुझे इस चीज़ के लिए दुख हुआ that it was coming from them and कि ये मेरे खुद के ही भाई बहनों की तरफ से आ रहा है not from other people. और कोई दूसरे लोगों से नहीं. Then I said, if it was other people, maybe I would have hated them. और मैं सोचने लगी कि अगर ये दूसरे कोई लोग होते तो मैं उनसे नफरत करती शायद. Or not forgiving them. और मैं उनको माफ नहीं करती. Not forgiven them. या फिर उनको माफ नहीं किया होता. But because they were my own siblings. लेकिन क्योंकि वो मेरे खुद के ही भाई बहन थे. I felt it was so easy to forgive. लेकिन मैंने इस चीज का एहसास किया कि ये बहुत ही आसान है उनको क्षमा करना. Can't say. I shouldn't say the word easy. और मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये आसान था, लेकिन But God made it easy because I realized, लेकिन परमेश्वर ने ये मेरे लिए आसान कर दिया they are my, flesh and blood. क्योंकि मैंने ये एहसास किया कि वो मेरे ही लहू और मांस है, मेरा ही लहू और मांस है. They are my people. वो मेरे ही लोग है. I must forgive them. और मुझे उनको क्षमा करना चाहिए. So till now, I always have a heart of love for them. और लेकिन आज भी मेरे अंदर उनके प्रति जो मेरे हृदय के अंदर प्रेम है, hope, और आशा भी है that they will change. एक दिन वो बदलेंगे. And they some of them have changed. और उनमें से कोई कुछ लोग तो परिवर्तित हुए. But my God taught me not to have any bad attitude towards them. और लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ सिखाया कि उनके लिए उनके प्रति मेरे अंदर कोई भी एक गलत बुरा रवैया मेरे अंदर नहीं होना चाहिए. Even now when I dream of them coming home. और अभी भी मैं इस चीज़ को सपने जैसा है मेरे लिए कि वो लोग घर पर आएंगे and I'm serving them. और मैं उनको खाना खिलाऊंगी and making them happy. और उनको खुश करूंगी. So I know in my heart of hearts, deep down, I don't have any bitterness or hatred. और मेरे दिल के अंतकरण के अंदर, दिल की गहराई के अंदर मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर कोई उनके लिए क्षमा करने वाला या नफरत की कोई भावना नहीं है. और मैंने क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु आप मुझे सहायता कीजिए कि मैं उनसे प्रेम कर पाऊँ. But I always look at ways in which I can thank God. और मैंने हमेशा ऐसे रास्तों को खोजा है कि कैसे मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँ. When something bad happens, I say, और कभी कुछ गलत भी हो जाएगा तो भी I want to thank God that it wasn't worse than this. और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि इतना ज़्यादा वो खराब अवस्था नहीं थी जितना ये चीज़ हो रही है. Wasn't something else that happened. और दूसरा कुछ नहीं हुआ. और फिर मैं ऐसे रास्तों को ढूंढती थी जिसके द्वारा मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर पाऊँ. It's not as bad as it, as I should take it. So that और ये इतना भी बुरा नहीं था कि मैं इसको दिल पर लूँ. It has helped me. और ये चीज़ ने मेरी सहायता की. So when my siblings were
ट्रबलिंग मी इन द एरियाज व्हिच संदीप स्पोक अबाउट. और जैसे जब मेरे भाई बहनों ने मुझे सताया वो क्षेत्रों में जो मेरे बेटे संदीप ने कहा, आई सेड आई मस्ट फाइंड अ वे ऑफ थैंकिंग द लॉर्ड फॉर यू इन दिस. आई डिडंट वांट. और मैं सोच रही थी कि इन इन चीज़ में भी मैं ऐसे रास्तों को ढूंढूं जिसमें मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूं इन चीज़ों के लिए जो हो रहा है. और मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि ओ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. और मुझे अपने आप के ऊपर तरस खाने का या ऐसे कोई मुझे रवैया नहीं चाहिए. और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मेरे बच्चों को घर पर रखा. थैंक गॉड इट्स नॉट माय चिल्ड्रन हु आर ओपोजिंग मी. और प्रभु का धन्यवाद कि मेरे बच्चे वो नहीं थे जो हमारा सामना कर रहे थे या हमारे विरुद्ध में कुछ कर रहे थे. इफ वन ऑफ देम वाज ओपोजिंग मी, अगर हमारे बच्चों में से कोई एक ने अगर हमारा विरोध किया होता तो rebellious या फिर बलवा किया होता, gone away or didn't have anything to do with me, और या घर से छोड़ घर छोड़कर निकल जाते और फिर मेरे से कोई रिश्ता नहीं रखते, cut himself off और पूरी तरह से मुझसे रिश्ता तोड़ देते from me and my husband, मैं और मेरे पति के साथ, that would have been the hardest thing. फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता. So I thank God, okay, they are my siblings. फिर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि कोई बात नहीं ये मेरे भाई बहन हैं. But I have my children. लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे हैं. And they are with me. और वो मेरे साथ हैं. And they are supporting me. वो मुझे साथ दे रहे हैं. And one of them, they used to write comforting things to us. और वो हमें जो सांत्वना देने वाली चीजों को लिखकर भेजते थे. Sharing God's word with us and comforting. और हमारे बच्चे परमेश्वर का वचन हमें साझा करते थे, लिखकर भेजते थे और हमें प्रोत्साहन देते थे. One of them said, Dad, don't let this court case hinder you. और उनमें से एक बेटे ने प्रभु को, मेरे बेटों में से एक बेटे ने कहा कि पिताजी ये सब चीज़ें जो आपके साथ हो रही है कोर्ट केस है ये आपको आपके लिए आप रुकावट नहीं बननी चाहिए. 10 years from now and actually in 10 years time that court case was solved. क्योंकि 10 साल लगातार वो चलता रहा और 10 साल के बाद वो सुलझा वो जो केस चल रहा था. But 10 years from now you shouldn't look back and say that this court case hindered you from serving the Lord. लेकिन पिताजी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल के बाद आप पीछे मुड़कर देखकर कहेंगे कि उसने आपको रुकावट पैदा की थी कि आप परमेश्वर की सेवा करें, तो उसमें कोई रुकावट आई. You do what God has asked you to do and पिताजी आपको जो परमेश्वर ने कहा है वो आप करते रहिए. And he'll take care of the बाकी सारी चीज़ों की देखभाल परमेश्वर करेगा. आप प्रभु की सेवा करते रहिए. और हमारे बच्चों के द्वारा हमें सांत्वना मिली, हमें वो सामर्थ्य प्रदान की उन्होंने किया, सहायता की. It was like brothers comforting. They were... और ऐसा ये जैसे कोई भाई लोग हमारे खुद के भाई हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं या हमें सांत्वना दे रहे हैं. My children became my brothers. और मेरे बच्चे ही मेरे भाई बन गए. So that was a help. फिर ये हमारे लिए सहायता थी. And then the Lord, I can say the Lord comforted us a lot. और मैं ये कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने हमें सांत्वना प्रदान की. He gave us many verses, words of comfort. And और परमेश्वर ने बहुत सारे वचन से हमसे बात की और हमें बहुत ज्यादा सांत्वना दी. Strength. और सामर्थ्य प्रदान किया. That we fed on God's word. और हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा खिलाया पिलाया गया. All these trials seem nothing because we thought, और फिर ये जो परीक्षाएं हो रही थी ये तो ऐसा लग रहा था मानो है ही नहीं. Or whatever we have lost or whoever, और जो कुछ भी हमने सामना किया या खो दिया, we have lost, we have the Lord. और हमने लेकिन हमारे पास परमेश्वर है. If we had taken somebody to court, और अगर हमने किसी को कोर्ट में ले गए होते हम खुद, I think that would have been the most miserable, फिर वो हमारे लिए सबसे भयानक पीड़ाजनक चीज होती. Time of our lives. जो पीड़ाजनक समय होता. Thank God, God didn't allow that to happen. और परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु ने ऐसे कोई अनुमति नहीं दी कि हम ऐसा कुछ करें. और यहाँ तक कि लोगों ने हमें नुकसान पहुँचाया लेकिन हमें उनको कोर्ट तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है. They took us to court, let God deal with them. और अगर वो हमको कोर्ट तक ले गए हैं तो परमेश्वर उनके साथ व्यवहार करने दीजिए. And even now I pray, Lord, be merciful to them, help them to
realize what they're doing so that. और मैं अभी भी प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप उनके प्रति करुणामय रहिए और आप उनको इस बात का एहसास दिलाइए कि वो क्या कर रहे हैं in your hands. ताकि वो आपके हाथों से पीड़ा ना उठाए प्रभु let them turn to you. और उनको आपकी ओर फिरने के लिए सहायता कीजिए प्रभु That's awesome. Thank you so much. और ये बहुत ही अद्भुत था आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आखिर में अंत में अगर आप कोई प्रोत्साहन के वचन कहना चाहती है आप जो भी आप बांटना चाहती है या कुछ कहना चाहती है और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ मौजूद है जो अपने अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों के का सामना करती है चीज़ों से गुजरती है तो और मैं एक माँ होने के नाते और एक स्त्री होने के नाते A lot of things affect us and influence us. हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जिसके ऊपर हमारे ऊपर परिणाम होता है या हमें जिसका सामना करना पड़ता है One is the opinions of people. और विशेष तौर पर एक जो चीज़ है वो है दूसरे लोगों का दूसरे लोग क्या सोचेंगे उनके राय के बारे में Opinions of our relatives. हमारे रिश्तेदारों की राय क्या है Opinions of what our friends say. हमारे दोस्तों की मित्रों की राय क्या है And we have to deal with that. और हमें इसके साथ व्यवहार करना पड़ता है इसका सामना करना पड़ता है say, Lord, what matters most is your opinion of me. और हमें कहना है प्रभु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये मायने रखता है कि आपके मेरे प्रति क्या राय है Because once we allow opinions of people to affect us relatively. और अगर हम इस बात की अनुमति देंगे कि जो दूसरे लोगों की राय हमें जिसका परिणाम हम पर हो रहा है friends or college mates or चाहे कॉलेज के दोस्त हो या कोई भी हो दोस्त हो anything, once we allow that, अगर हम इसकी अनुमति देंगे तो we become a slave to them. फिर हम उनके गुलाम बन जाएंगे Unconsciously we'll be thinking, oh, I'm wearing this, what will people in the church say? और एक ऐसे आप बिना विवेक के आप ऐसे सोच सकते हैं शायद कि अगर मैं ये पहनूंगी तो फिर ये क्या सोचेगा या वो कलीसिया में क्या सोचेंगे और मैंने अपने बालों को इस तरह से बनाया मेरे दोस्त लोग क्या सोचेंगे और मेरे दूसरे दोस्तों ने अपने बालों को रंग दिया है और मैंने कोई रंग नहीं दिया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे Once we start allowing the opinions of people, और अगर हम ऐसे दूसरों की राय को अपने अंदर आने की अनुमति देंगे तो enter our mind, कि हमारे मन में वो घुस जाए then we become a slave. फिर हम उनके गुलाम बन जाएंगे But only person who matters most is the Lord. और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मायने रखता है वो परमेश्वर है उसकी राय मायने रखती है I always tell the Lord, Whenever I can and I get the opportunity, I say, Lord Jesus, you're the most important person. और जब कभी मुझे ये अवसर मिलता है ये कहने का कि प्रभु से मैं ऐसे कहूँ कि प्रभु आप मेरे लिए प्रभु यीशु आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस दुनिया में More than my children. मेरे बच्चों से भी ज्यादा More than my money or मेरे पैसे से ज्यादा Clothes मेरे कपड़ों से ज्यादा Anything I can buy. या ऐसा कुछ भी जो मैं खरीद सकती हूँ या Any possession, या कोई मेरे पास जायदाद है any valuable thing, कोई भी मूल्यवान चीज है the most valuable लेकिन प्रभु आप मेरे लिए सबसे बहुमूल्य व्यक्ति है to me. I keep telling that to the Lord. और मैं लगातार परमेश्वर से ये कहते रहती हूँ और मैं लगातार इसको दोहराते रहती हूँ From my heart. और मैं अपने मुंह से कहती रहती हूँ लेकिन मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु मैं अपने हृदय से ये कहना चाहती हूँ Lord, you're the most important person. कि प्रभु आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है So, lot of people face problems, opinions of people and... और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका सामना करते हैं जिसमें उनको लोगों की राय का सामना करना पड़ता है And I found that opinion of the Lord. What the Lord thinks of me. और मैंने इस चीज को पाया है कि परमेश्वर की जो राय है मेरे प्रति the Lord is, कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है is happy with me.
क्या परमेश्वर मेरे साथ खुश है? That's the most important. ये मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. As we heard yesterday, the Lord can say, और जैसे हमने कल सुना था, This is my beloved daughter, I am well pleased with you. क्या परमेश्वर हमारे लिए ऐसे कह सकता है कि ये मेरी प्रिय बेटी है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ? That would be the best thing. ये सबसे हमारे लिए बेहतरीन चीज है. And also not of us face self-pity. और हम भी इस चीज का सामना करते हैं कि हम खुद के ऊपर तरस खाते हैं. We feel sorry for ourselves. हम अपने लिए बहुत दया महसूस करते हैं खुद के प्रति. Why am I like this? Why am I not like this? और मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ? Why I can't do this which others can do? मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकती जो दूसरे करते हैं? That self-pity is a big giant. और ये जो खुद के ऊपर तरस खाना, मानो ये एक बड़े दानव के समान है. We have to slay that and with the Lord's strength. और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसको हमें मारना है, उसको नाश करना है. We can slay that. उसको हमें नष्ट करना है. And the love for worldly things that, you know, fashions and all, that's more for ladies, we think. और जैसे ये संसारिक चीजें, फैशन है संसार के, ये विशेष तौर पर हम स्त्रियों को इनका बहुत सामना करना पड़ता है. Want to look nice, we want to look. और हमको ये प्रलोभन है कि हमें अच्छा दिखना है. And that also can become, we can become a slave of that. और इस चीज के भी हम गुलाम बन सकते हैं. See, the fashions have changed. जैसे फैशन बदलती रहती है. And the marketing, we see more and more things which please our eyes. और हम मार्केट में ऐसी अलग अलग नई नई चीज़ों को देखते हैं जो हमारे आँखों को बहुत ज़्यादा लालसा से भर देती है और हमें प्रसन्न करती है. Then say, Lord, I want to please you. लेकिन हमें उस समय कहना है, प्रभु मुझे आपको प्रसन्न करना है. Thankfully, Indian dress, it doesn't change, the fashion doesn't change. प्रभु का धन्यवाद है कि भारतीय जो कपड़े हैं वो फैशन कोई बदला नहीं अभी तक. The saree is the same, only the colors may change. और साड़ी जो है वो वैसी है, केवल उसका जो रंग है वो बदलता रहता है. So I'm thank God I'm in India where the fashion is the same. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं भारत में हूँ जहाँ पर फैशन वैसा ही है. If one gets old, I can get another one. और अगर मेरी साड़ी एक पुरानी हो गई तो मैं नई खरीद सकती हूँ. But it may be a different design. लेकिन कोई अलग डिजाइन की साड़ी ले सकती हूँ. So those are the things that we, as women, we have to be aware of. और ये सो सारी जो चीजें हम स्त्रियों को बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देना है. Face and overcome. और इस पे इसको हमें सामना करके इस पर विजय प्राप्त करनी है. And also a double standard. और दोगले जो स्तर के लिए भी हमें सावधान रहना है. We are living one way and we want to give a false impression to others. और हम एक तरफ में हम अलग जीवन जीते हैं, लेकिन दूसरे तरफ हम दूसरों को एक गलत तरीके से झूठ झूठ दिखाते हैं उनको. That's also very easy for women too. और ये भी एक स्त्रियों के लिए भी ये बहुत आसान चीज है. और फिर दूसरों के सामने अच्छे अच्छे दिखाना है, लेकिन पीछे से हम बिल्कुल अलग है. So we ask the Lord, Lord, what I am outside, let be the same inside. Let... और हमें ऐसा प्रभु को कहना है, जैसे प्रभु मैं बाहर जैसी हूँ प्रभु, वैसे मैं अंदर भी रहूँ. और मैं पूरी खुली तरफ से रहूँ, ऐसे दिखावा ना करूँ, जैसी हूँ वैसी रहूँ. Before you, you see me through and through. और प्रभु आप मुझे देखते हैं, आपको पता है मैं कैसी हूँ. What you see inside of me, let it be the same what I am. और प्रभु जो आप मेरे अंदर देखते हैं, यही लोगों पर यही प्रकट हो, यही जैसी मैं हूँ वैसी ही दिखूँ. Impression which I give to others. और मैं झूठा एक दूसरों को दिखावा नहीं करना चाहती कि मैं बहुत ज्यादा वैसी नहीं हूँ. Those are few things that we as women have to deal with. और ये ऐसी थोड़ी चीजें हैं जो हम स्त्रियों को जिससे गुजरना पड़ता है. Okay, thank you mom so much. और ठीक है माँ, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. और सब माँ के लिए तालियां बजाएंगे. Thank you so much.